Welcome to Fit Rich Sane. I know all of you want to be healthy, wealthy, and wise. I am Aditya, and I bring to you people who are true experts on the topics that we love. You can listen to them live. You can ask them your questions right here. Otherwise, you can listen to the recording later. To find out about the next live episode in advance, you can follow us on Twitter and on Telegram at Fit Sane. As a community. Fitret Singh believes in action. We will simplify processes for you, bringing them down to such small steps that you will be able to take today. Today's guest, Lokesh Tiwari, you have already met last week. Last week, we discussed how you should start planning your finances for all your goals and dreams to come true. We started with how we should start the process of financial planning. Moved on to how we should understand the debt trap, how we can get out of the debt trap, and also very importantly, how we can roughly calculate how much money we need overall. By the end of today's podcast, we hope that you will be able to understand how you should structure your investments, how much risk you should take, how much you should invest, and how you can start dabbling in stocks if you don't do that already. Since we

कि सबसे पहले आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, फिर थोड़े से लग्जरीज उसके बाद हमने प्रीवियस सेशन में जैसा डिस्कस किया था कि हम शायद इंश्योरेंस भी कई लोग ले लेते हैं बट उसके में उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट का बजट निकालें कैसे हम्म देखो मेरा इसको देखने का थोड़ा सा तरीका अलग है मैं इसको इस तरीके से देख नहीं रहा हूं कि मैं इतना परसेंटेज यहाँ पे रखू या इतना परसेंटेज यहाँ पे रखू एक हॉट प्रोसेस अगर आपको जानना है कि मास स्केल पे बताने के लिए तो हम कह सकते हैं कि भाई दस परसेंट या पंद्रह परसेंट या बीस परसेंट अपनी इनकम का इन्वेस्ट कर सकते हो करेक्ट ये एक कॉमन थॉट है करेक्ट बिल्कुल है ना कोई एक नंबर हर लोग अपना अपना नंबर बताते हैं कोई पंद्रह परसेंट कोई बीस परसेंट कोई पच्चीस बना देते हैं एक्सपेंसिव लग्जरी और इन्वेस्टमेंट का और उसी पे कहते हैं सबको ये करना चाहिए यस yes, यस yes. तो वो जो थॉट है ना दैट इज एक्चुअली द मास स्केल थॉट मिनिमम वाला कि भाई ये तो कर लो चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा ये तो करो है ना तुम बोलोगे मुझे नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है एटलीस्ट ये कर लो चलो लेकिन पर्सनल फाइनेंस जेन्युनली पर्सनल चीज है तो सबसे पहले याद है लास्ट सेशन में हमने बात किया था ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है कहां मुझे पहुंचना है करेक्ट right. और इसमें से कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस होंगे जो आपकी लाइफ में होना ही होना है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते एग्जाम्पल right. के लिए मैं बताता हूं जैसे किसी के पास अगर पांच साल की बच्ची है तो वो पांच साल की बच्ची टेंथ में जाएगी तब कोचिंग वगैरह के थोड़े बड़े एक्सपेंसेस आएंगे करेक्ट ट्वेल्थ right. में जाएगी तब थोड़े बड़े एक्सपेंसेस और बड़े एक्सपेंसेस आ सकते हैं ग्रेजुएशन में जाएगी जाएंगे हमें पता ही है पहले से और ये एक्सपेंस आने ही आने हैं मतलब आप अगर मैं मजाक में बोलू तो किडनी बेच के भी लाओगे पैसा बिल्कुल तो नहीं है ना फिर उसके बाद आता है उसका मैरिज वो भी होना ही होना है उसके बाद आपका रिटायरमेंट इसके अलावा कुछ और दो चार चीजें हो सकती हैं आपको कार अगर फॉर श्योर लेना ही है घर लेना ही है ऐसी कुछ चीजें जो आपको मालूम है कि ये मेरे लाइफ टाइम में होगी ही हो क्योंकि वो आपके ग्रैंडफादर की भी लाइफ में हुई थी आपके पिताजी की भी लाइफ में हुई थी आपकी लाइफ लाइफ में में भी होगी आपके आसपास के लोगों की लाइफ में हो रही होगी वो करेक्ट राइट right. तो उनका अगर मैंने आज का एक्सपेंसेस लिख लिया कि भाई आज के दिन में अगर यही काम होता तो कितना खर्चा लगता करेक्ट अब उसके बाद जब मैं उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर करूंगा सिक्स इन्फ्लेशन से एडजस्ट करूंगा जो कि मैंने पिछली बार बताया था कि अब बारह से मल्टीप्लाई uh, मतलब नंबर ऑफ इयर्स जो है बारह ईयर अगर है तो उससे डिवाइड करके आप देख सकते हो कि ये कितना साल लगेगा डबल होने में है ना अगर एक लाख का खर्चा है छह परसेंट के हिसाब से आ, तो लगभग बारह साल लगेगा डबल होने में बारह साल में दो लाख का खर्चा हो जाएगा वो ठीक है सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप एक बार गूगल भी करोगे तो सामने आ जाएगा नंबर आपको आज का जो भी खर्चा है यानी आपके जैसे बच्चे की शादी है आपको मालूम है कि अगर मेरे घर में जो शादियां हो रही है पंद्रह लाख रुपया तो लगना ही लगना है यहां तक क्लियर है बिल्कुल अब जब मुझे मालूम है कि ये खर्चे मुझे लगने वाले हैं तो मेरा आज का क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि ये सारे विड्रॉवल पॉसिबल हो जाए इसके बेस पे आपको एक नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा नंबर डेफिनेटली मिलेगा और वो नंबर मैंडेटरी होगा कि नहीं मतलब वो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है करेक्ट बिल्कुल या तो आज सिंपल तो हाँ, सा हिसाब है या तो आज इन्वेस्टमेंट या तो कल लोन अब ऐसे केस में आदित्य ये जो नंबर मिलेगा लेट्स से नंबर निकल के आया कि बीस हजार रुपया महीना इन्वेस्ट करना है ठीक right. और आपकी सैलरी है पचास हजार रुपया तो ये तो आपके लिए परसेंटेज वाइज देखोगे तो, 40 को डिमांड कर रहा है। ये तो, तो इसके ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मुझे जल्दी फाइनेंशियली फ्री करेगा ज्यादा स्टेबल करेगा ज्यादा और लग्जरियस चीजें लेकिन ये तो बेयर मिनिमम हो गया right. इसके बेस पे आपको तीन चीजें मालूम पड़ती है एक कि अगर मैं कहीं अनाप शनाप खर्चे कर रहा हूं तो उसको काट करके बेयर मिनिमम तक पहले पहुंचू दूसरा अगर मैं बेयर मिनिमम तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं मेरी जो नेसेसिटीज है उसमें ही सारा पैसा कंज्यूम हो जा रहा है तो तो फिर आपके लिए इंस्पिरेशन हो जाएगी कि इनकम बढ़ाओ तीसरा ऐसा हो सकता है कि भैया अभी मेरे पास थोड़ा है दस हजार है दस कम है तो आपको इंस्पिरेशन मिल गया कि अब अपनी सैलरी की जो भी है नेगोशिएशन हार्ड नेगोशिएशन करो चार छह महीने के अंदर उसको मीटअप करो करेक्ट अब ये कितना भी परसेंटेज हो आपकी सैलरी का उससे ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि हम यहां पे ट्रूली पर्सनल चीज बात कर रहे हैं तो मैं पर्सनल के एंगल से बता रहा हूं आदित्य इसमें कोई फॉलोअप क्वेश्चन है कोई थॉट है या कुछ काउंटर है जो आपको ओपन एंडेड लग रहा हो तो बताओ आ, नहीं आई थिंक पिछला सेशन और अगर हम आज का कंबाइन करेंगे तो ये आ, काफी एक क्लियर पाथ हमें मिलता है यहां से हां राइट right. नव बदन मुकेश एक चीज ये बताइए कि हमने, हमने, इस से, हमने भी है कि... उसके हमने इससे पहुंचने का ट्राई करना है हमें सी, तुरंत नहीं पहुंच सकते कोई बात नहीं लेकिन उसके तो पहुंचने का हमें पूरा का पूरा ट्राई करना है हाँ आप अगर हम आज कम कर पा रहे हैं तो शायद हमें इनकम बढ़ाने पर इतना एफर्ट करना चाहिए कि कल कंपनसेट कर पाए जो आज कम कर रहे हैं उसको यस यस बदन लोकेश नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सबका इंक्लूडिंग मेरा कि uh, हमने ये तो चलो पता कर लिया कि इतना इन्वेस्ट करना है बट अब आपसे आके कहता है कि मेरे पास अमाउंट तो आ गया बट मैं कहा इन्वेस्ट करूँ अब तो हाँ, इसको आप कैसे ये आप बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है अब इसको ऐसे देखो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट निकाला है वो कितने परसेंट पे निकाला है क्या आप अपने पैसे को छह परसेंट से ग्रो कर सकते हो तो अमाउंट डिफरेंट आएगा अगर आप अपने पैसे को दस परसेंट से ग्रो कर सकते हो तो अमाउंट डिफरेंट आएगा बारह परसेंट से कर सकते हो तो डिफरेंट आएगा बारह के ऊपर नहीं लेना चाहिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उसके अंदर ही रखो और अमाउंट को मैच करो क्योंकि अगर आप पंद्रह सोलह सत्रह पे कैलकुलेट करोगे होने के लिए वो हो सकता है बट टफ है लोंगर होराइजन में एक दो साल में आ सकता है बट लॉन्गर होराइजन में वो टफ है तो अगर मान लो आपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है आदित्य मान के चलो बीस हजार रुपया अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और छह परसेंट भी सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भी मेरा सारा काम होगा तो मुझे कोई अनाप शनाप एक्स्ट्रा रिस्क लेने की जरूरत है क्या मैं तो सीधा सीधा जाकर के सबसे सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकता हूं छह परसेंट जो फिक्स दे ही रहे करेक्ट राइट right. तो मुझे अनाप शनाप बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले तो फिर आपको डायरेक्ट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस बात पे थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ेगा आपको कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब हुआ? एंड क्योंकि हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं तो इनफैक्ट मैं नेक्स्ट आपसे यही पूछना चाहता था कि आपने कहा कि एक ऑन वन साइड लोकेश आपने बताया कि हम लोग को अगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट से हमारे गोल्स मीट हो रहे हैं तो शायद हाँ। वो इनफ हो बट ऑन द अदर हैंड शायद हमें इन्फ्लेशन बीट करने का एफर्ट शायद करना चाहिए तो ये मुझे कितनी रिस्क लेनी है वो मैं कैसे डिफाइन करूं कैसे समझूं ये कैसे पता चलेगा मैं आपसे अब कुछ ना क्वेश्चंस की सीरीज पूछूंगा और फिर मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट इससे सब कुछ समझ में आएगा ठीक है इसको नॉर्मल क्वेश्चन आंसर टाइप ही रखते हैं बिल्कुल ठीक है तो इन्फ्लेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन पे एक बार फोकस करते हैं इकोनॉमी हाँ क्या है और क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं चाहे किसी भी जगह पे काम कर रहे हो चाहे अपना खुद का बिजनेस ही चला रहे हो क्या आने वाले भविष्य में उनकी सैलरी या उनकी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अगर वो मेहनत करेंगे तो हाई फॉल गोज वेल बढ़नी ही चाहिए है ना लार्जर स्केल पे तो बढ़ेगी करेक्ट हाँ जी हाँ जी एब्सोल्युटली पिछले सौ साल का अगर हम हिस्ट्री उठा ले तो एवरेज नंबर बढ़ते रहता है सेफ हाँ, टू कि बढ़ेगी 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 ही आप बिल्कुल बढ़ेगी, यस यस दूसरी हाँ, बढ़ेगी, बिल्कुल, बढ़ेगी, बिल्कुल, yes. बिल्कुल, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया यहां से आने वाले दस पंद्रह सालों में ग्रो करने वाला है या नहीं ग्रो करने वाला है मेरा तो बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि करेगा ही करेगा इनफैक्ट मोस्ट इकोनॉमी से बेटर ही ग्रो करना चाहिए ओके okay. तो एक तरफ हमने बात की कि यस हमारी इनकम भी बढ़ सकती है दूसरा हमने बात की कि यस इंडिया भी आगे बढ़ेगा अब इसी को जरा इस डबल क्लिक करते हैं कि इंडिया अगर जब हम बोल रहे हैं आगे बढ़ेगा तो एग्जैक्टली क्या आगे बढ़ता है अंडरलाइन लेवल पे जीडीपी बढ़ता है यानी कि हमारा प्रोडक्शन ग्रोथ हम इसी को ही कहते हैं बिल्कुल यानी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ते हुए जा रहा है तो इसी को इंडिया की ग्रोथ मानेंगे और ऐसा तो है ना कि गवर्नमेंट पीछे से कोई पेपर पे लिख देगी और फिर बोलेगी कि अरे इंडिया बढ़ गया ऐसा तो कुछ नहीं है बिल्कुल तो क्या ऐसा कोई सेंट्रल प्लेस है आदित्य जहां पे हम जा करके कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं और वहां से हमारी सैलरी भी आती है यानी जिस सैलरी की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो एक कोई ऐसा सेंट्रल प्लेस होगा जहां से हमें सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है एंड उसी सेंट्रल प्लेस पे जाकर हम कुछ काम भी करते हैं यानी प्रोडक्शन कुछ करते हैं यानी कुछ प्रोड्यूस करते हैं चाहे कोई सर्विसेस हो चाहे कोई सामान हो चाहे कुछ भी हो वो कोई सेंट्रल प्लेस इनफेक्ट uh, जो जीडीपी और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो सारा बेसिकली उसी से जॉब्स बढ़ेंगे उसी से इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं शायद आप डे yes. right? हम जाकर के किसी ना किसी बिजनेसेस में काम करते हैं चाहे खुद का बिजनेस हो चाहे दूसरे का बिजनेस हो दूसरे का हो बिल्कुल अब मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो अच्छा, क्या जब हम क्लियर हैं कि सैलरी बढ़ने वाली है हम ये क्लियर है कि इंडिया बढ़ने वाला है तो इसका जो सेंट्रल प्लेस है यानी जो जीडीपी को बढ़ाने वाला सेंट्रल प्लेस है बिजनेसेस वो लॉन्गर में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या फिर ऐसा लगता है कि नहीं हमारी सैलरी ये बिजनेसेस बढ़ा देंगे और इंडिया को बढ़ा देंगे लेकिन खुद बर्बाद हो जाएंगे लार्जर स्केल पे क्या होगा मुझे बताओ बिजनेसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे मतलब डेफिनेटली बढ़ेंगे और डेफिनेटली एफ प्लस इन्फ्लेशन से ज्यादा ही बढ़ना पड़ेगा उन्हें यस Yes. बढ़ा सकते हैं, की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे मन में यही आता ना बिजनेस बनाए तो एब्सोल्युटली ये थॉट तो सबको एकदम बेसिक लेवल पे भी लोगों को क्लियर होता है कि यार पैसा बनाना ना तो बिजनेस बनाओ बिजनेस कर लो बिल्कुल बट क्या बिजनेस बनाना सक्सेसफुल बिजनेस बनाना आसान है रिस्क बहुत ज्यादा है एंड कोर्स काफी मुश्किल है, है. लेकिन रिलेटिवली क्या एक अच्छे बिजनेस को समझना बहुत कठिन है क्या रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं जितना कठिन रिलेटिवली है, है है, है ना डेफिनेटली है, है। है तो, ऐसे केस में जहां पे इंडिया लगातार ऊपर चढ़ रहा है जहां पे हम शोर है कि हमारी भी इनकम आगे बढ़ने वाली है ओवर द टाइम तो इसका मतलब बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं बिजनेस नहीं बना पा रहा हूं तो कोई बात नहीं मैं बिजनेसेस में पार्टिसिपेट तो कर सकता हूं बिल्कुल उनकी ग्रोथ हिस्ट्री में कि भैया अगर तुम बढ़ रहे हो तो ठीक है मैं भी समाह तुम्हारे साथ साथ कुछ ना कुछ बढ़ जाऊं दैट इज एक्चुअली इकोनॉमी पार्टिसिपेशन कि जो इकोनॉमी आगे भाग रही है उसी में आप वाया बिजनेसेस पार्टिसिपेट करो बट अब ये बिजनेसेस ढूंढना बहुत टफ वर्क है बहुत टफ वर्क है तो ऐसे केस में भारत की टॉप पचास कंपनियां जिसको हम निफ्टी फिफ्टी कहते हैं जहां पूरा भारत अभी निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जाएंगे 27, 28 तक हम पांच ट्रिलियन यानी सात छह सात और दस पंद्रह ट्रिलियन की बात कर रहे हैं आने वाले सालों में पूरी की पूरे इंडिया को डबलिंग की बात कर रहे हैं आदित्य ऐसे केस में ये टॉप पचास कंपनियां यानी बिजनेसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगे सेंट्रली बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो पांच -पांच चार -चार तो सिर्फ डायरेक्ट फिगर्स है चार चार पांच पांच लाख उसके अलावा वो कितनी इंडस्ट्रीज को और सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके छोटे yes. बड़े वेंडर्स होंगे उनके कितने एम्प्लॉय होंगे ये हमारे तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को जल्दी डाउन भी नहीं होने देती और हमें कुछ एक बिजनेस को नहीं चुनना है हम भारत की अगर टॉप पचास कंपनियों को भी सिलेक्शन में लें तो बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएशन है लेकिन 14 लगभग परसेंट की कंपाउंडिंग है टॉप 50 कंपनियों की तो ये है इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन अब मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो अब पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे पास एक एक्चुअली ना वेल्थ तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है आदित्य मेरा ऐसा uh, है। एक है गवर्नमेंट उनके पास पैसा छापने की मशीन है सीधा सीधा मशीन है मतलब जितना चाहो छाप दो जितना चाहो बिल्कुल दूसरी है पब्लिक बट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल कलेक्टिवली पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का और तीसरी right. जो एंटिटी है वो है बिजनेस ओनर्स जो कि टॉप वन परसेंट टॉप फाइव परसेंट में आता है अगर आप ओवरऑल इंडिया का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे टॉप वन परसेंट पीपल होल्ड फोर्टी प्लस परसेंट ऑफ द वेल्थ और टॉप टेन परसेंट पीपल होल्ड अराउंड सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द वेल्थ यानी जो है ऊपर टॉप टेन परसेंट में है और ये टॉप टेन परसेंट लोग कर क्या रहे खास करके टॉप वन परसेंट को देखो टॉप पचास कंपनियों में बिजनेस ही कर रहे हैं करेक्ट बिजनेस ही कर रहे हैं बिल्कुल तो यानी कि इन तीन एंटिटीज के बीच में जहां पूरा पैसा है गवर्नमेंट पब्लिक एंड बिजनेस सबसे ज्यादा जोर कौन लगाता है सबसे ज्यादा मेहनत कौन लगाता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन है सब ज्यादा ताकत लगा रहा है गवर्नमेंट लगा रही है या आम पब्लिक लगा रही है या इस पब्लिक से निकले हुए कुछ लोग जो वेल्थ को समझ रहे हैं कि बनती कैसे है कौन सबसे ज्यादा मेहनत लगा रहा है डेफिनेटली बिजनेस ओनर्स ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो ऐसे केस में जब बिजनेस ओनर ही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि सुबह अमूल का दूध चार करेक्ट उठो उठो, है।, है ना मतलब वो बिजनेस की मेहनत है ना कि तुम भाई बैठ के सोफे पे बैठो एक क्लिक मारो स्विगी का डिलीवरी बॉय दौड़ के पहुंचेगा और उसका पैकेट कौन बना रहा है उसको कहां से सोर्स हुआ है ये चीजें तो हम इमेजिन ही नहीं करते सुबह की चाय बनाते हुए तो तो ये जो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम जो है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मुझे मुझे ग्रोथ चाहिए, चाहिए? तो कौन से साइड में में होना गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पब्लिक को दोस्तों को पैसा बांट के या एक्चुअली बिजनेस में पार्टिसिपेट करके कि जो सबसे ज्यादा ताकत लगा रहा है ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अमेजिंग एक्सप्लेन लोकेश काफी काफी क्लैरिटी दी आपने मुझे तो डेफिनेटली लगाना चाहिए

अब ये सारा का सारा पैसा एंड ऑफ द डे बिजनेसेस ही यूज करते हैं तो आप अगर बहुत ज्यादा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट की तरफ भागोगे बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक भी वो पैसा किसको दे रहा है किसी ना किसी बिजनेस को ही घूम के जा रहा है ना बिल्कुल अगर लार्जर स्केल में देखोगे तो किसी ना किसी बिजनेस को घूम के जा रहा है वो इवन गवर्नमेंट भी जो पैसा ले रही है वो भी अगर जो हमारे पास वो छाप भी रही है तो भी वो बड़ा पैसा अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड में पूरा सिस्टम खड़ा करने में इसमें ही तो लगा रही है उससे एक और पॉइंट मुझे याद आता है लोकेश कि अगर एफडी डी रफली सेवन परसेंट दे रही है आज और बैंक हाँ। आपको लोन दे रहा है लेट से इलेवन परसेंट पे हाँ। तो बिजनेस ओनर जो है वो भी तो हाँ। कुछ ना कुछ शायद लोन लेकर काम कर रहा होगा एंड सेकेंडली अगर वो एटलीस्ट ये इलेवन ट्वेल्व परसेंट नहीं अर्न करेगा तो वो कहेगा कि मैं बिजनेस इतना करी क्यों रहा हूँ मैं लोन ही दे देता हूँ लोगों को बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो बिजनेस ओनर जान लगा देगा कि मुझे एटलीस्ट ट्वेल्व परसेंट से तीन चार परसेंट ऊपर तो निकालना ही है जिससे मेरी ये पूरी मेहनत एंड रिस्क वर्थ सेट हो रही है यस yes, और अगर ये जो टॉप पचास कंपनियां हैं अगर ये दस परसेंट बारह परसेंट पंद्रह परसेंट भी नहीं बना रही है, भी मान के चलो, नहीं बना रही है और आठ परसेंट बना रही है तो सोचेंगे ना कि यार क्यों इतना मैं मेहनत कर रहा हूं सुबह से लेकर के रात तक पैर का पसीना सर पे आ गया है पांच लाख लोगों को एम्प्लॉय रखा है नींद नहीं आ रही है छह के लिए इतना तो मैं डिपॉजिट करके कमा लूंगा बिल्कुल मैं बैंक में डालू मैं बैंक में डालू तो वो कम से कम बारह चौदह के लिए फाइट करेगा कि नहीं करेगा करेगा ही करेगा तो ऐसे केस में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और खास करके लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो इकोनॉमी में मैं कम से कम टॉप पचास कंपनियों में पार्टनर बनकर के वेल्थ क्रिएशन की अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकता हूं या मुझे जाकर के वो ऐसा ढूंढना चाहिए कि 20 साल के लिए मैं एल आई करूंगा और 6 परसेंट पे पैसा 50 साल के लिए 20 साल के लिए लॉक इन कर दूंगा वहां पे वेल्थ बनेगी कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करके वेल्थ बनेगी पूछता हूँ कि जो लोग आज भी एल को जस्टिफाई करते हैं एंड ऑफकोर्स हाँ, uh, मैं टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दैट यूलिप प्लान वगैरह के लिए लोकेश फॉर आर ऑडियंस आप बताओ कि आपने एल को भी पैसा दिया एल ने आपको गारंटी दिया रिटर्न एल हाँ, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है आखिर एलआईसी का 30 परसेंट पैसा मार्केट में लगा हुआ है पहला चीज exactly. 70 पैसा उसका डेट में लगा हुआ है यानी कि लोगों को लोन बांटा हुआ है खास करके गवर्नमेंट्स को और बड़ी बड़ी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यानी आपका पैसा एंड ऑफ द डे घूम के किसी बिजनेस के पास गया है जो बना रहा है पैसा एग्जैक्टली exactly. तो जब हम वो रिस्क ले ही रहे हैं थियोरिटिकली अगर मार्केट क्रैश हो जाता है जीरो हो जाता है और वो बिजनेस ओनर्स भी एल को पैसा नहीं दे पाते हैं तो

करेक्ट बिल्कुल बीच का फ्लक्चुएशन से इतना मत डरो फ्लक्चुएशन बहुत नॉर्मल चीज है लाइफ के तो मेरा कहने का मतलब यह था कि बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शंस ढूंढने का प्रयास करो मैंने कह रहा हूं तुरंत जाकर के स्टॉक ले लेना एटलीस्ट निफ्टी फिफ्टी जो है हमारा टॉप पचास कंपनियां है वहां पे आपका लॉन्गर होराइजन में दस बारह पंद्रह परसेंट बनने का चांस है और इसके भी पहले मैंने एक भी एक चीज और बताई थी अगर आपको लग रहा है कि छह परसेंट भी मेरा काम हो रहा है तो फिर क्यों ही आप आपको रिस्क लेना है अगर आपका सब बैठ ही गया है तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है आदित्य करेक्ट यहाँ किया था बिल्कुल बिल्कुल कि जब लेकिन आपको तो नहीं हाँ लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए और इस इकोनॉमी में ऐसी इकोनॉमी जहां पे ये काफी क्लियर है कि इकोनॉमी ये आगे बढ़ रही है और इकोनॉमी का बढ़ने का मतलब कुछ और नहीं बिजनेसेस का बढ़ना है तो आप बिजनेसेस में सम हाउ पार्टिसिपेट करो नहीं बिजनेस बना पा रहे हो कोई बात नहीं बिकम पार्टनर तो मैं अगर इसको नहीं हो पा रहा है तो टॉप तो फिफ्टी कंपनियों में पार्टनर बनने का प्रयास करो यानी निफ्टी फिफ्टी में पार्टनर बनने का प्रयास करो लॉन्गर होराइजन में आपका दस से बारह चौदह बनने का चांस है और आप अपना जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करो वो दस या ग्यारह या बारह पे कर लो कि भाई ये तो बेस बेयर मिनिमम है इसके ऊपर ही बनने का चांस है क्योंकि सारे जो टॉप लोग हैं हैं हैं, हैं, इधर ही बैठे हुए कोटक है, टाटा है, बजाज बिरला है, है, रहे। रहे। है, ग्रुप इकोनॉमी को तो ये मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि किसी कंपनी का जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका कंज्यूमर बनने की बजाय प्रयास करो कि उसका धीरे धीरे कैसे पार्टनर बन जाओ बजाज फाइनेंस का लोन लेने की बजाय बजाज ग्रुप का पार्टनर कैसे बनू? इसका रास्ता ढूंढो तो पैसा बनेगा बन कंज्यूमर पैसा नहीं बनेगा एंड आई सिंसियरली होप कि सारी ऑडियंस को भी मजा आया होगा में. Uh, क्योंकि बहुत ही कोर पे जाके बेसिक्स से आज हमने समझा की इकोनॉमी पार्टिसिपेशन क्या होता है एंड इक्विटी uh, में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होता है कितना नहीं होता बट टेकिंग लोकेश आपने बताया कि इसलिए कम है नाउ आपने बोला कि इसलिए हमें इकोनॉमी में पार्ट लेना चाहिए एंड ऑन द अदर हैंड जो बहुत मिनिमम रिटर्न वाली चीजें होती है स्पेशली लॉन्ग लॉक इन वाली उसमें शायद हमें नहीं जाना चाहिए बट uh, उसके बीच तो में uh, उसमें बहुत बेयर मिनिमम हमें रखना चाहिए जो हमें बोलते हैं ना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे कि भाई चलो दुनिया में कुछ नहीं चला ये चल जाएगा ये मेंटल सेटिस्फैक्शन वो मेंटल सेटिस्फैक्शन ही आपको इक्विटी में लंबा गेम खेलने के लिए तैयार रखेगा वरना क्या होगा कि आप इक्विटी में लंबा गेम नहीं खेल पाओगे वो डर के मारे आप भाग वेरी गुड गुड पॉइंट पॉइंट अगर आपका एक फिक्स होगा तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है ये अगर थोड़ा नीचे जा भी रहा है तो जब तक ऊपर आएगा तब तो तक मेरी लाइफ नहीं रुकेगी हाँ यस इसीलिए वो आपको बेयर मिनिमम वाला मिनिमम हिसाब रखना है आपका साइकोलॉजी कितना सपोर्ट कर रहा है आपका फाइनेंस कितना सपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से सो लोकेश ऑन वन साइड इकोनोमी पार्टिसिपेशन दूसरी साइड लॉन्ग लॉक इन वाले कम रिटर्न uh, वाले स्कीम्स बीच में आई थिंक कहीं गवर्नमेंट के शॉर्ट सेविंग स्कीम्स आती हैं जैसे आपका पीपीएफ हो गया सुकन्या समृद्धि योजना हो गया इसमें डू यू थिंक लोगो किसको uh, कुछ परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए कितना करना चाहिए तो मेरा थॉट बहुत सिंपल है टैक्स बेनिफिट के हिसाब से जो मिल रहा है उतना कर लो उससे ज्यादा करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि 20 21 साल के लिए जब लॉक इन कर ही रहे हो तो वो लॉक इन 20 साल इक्विटी मान के चलोगे ज्यादा पैसा बना करके दे देगा इक्विटी ये देखो अभी तक किसके लिए बनाया गया है मैं बताता हूं जैसे किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है राइट right. तो वो बंदा सोचेगा कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं है तो चलो गवर्नमेंट जो बोल रहा है वो कर देता हूं करेक्ट वेरी गुड पॉइंट लेकिन जिसके पास तरीका है ढूंढने का वो ढूंढ के एक कदम आगे बढ़े और उसमें भी वो रील्स वगैरह देख करके नहीं कि मेरा 50 परसेंट बन जाएगा ये हो जाएगा मैं तो 12 परसेंट के ऊपर जा ही नहीं रहा हूं ये बेयर मिनिमम मान के चल उसके हिसाब से करोगे तो उससे ज्यादा पैसा बन जाएगा फार बेटर पैसा बन जाएगा आ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है सो so, uh, मैं आपको बताता हूँ लोकेश uh, मेरा हमेशा से प्रमोशन इंडेक्स फंड्स की तरफ ही रहा है

हाँ तो इस पर एक मैं थॉट बताना चाहूंगा कि होता क्या है ना कि मैंने भी बहुत सारे लोगों को एजुकेट जब मैं करता हूं ना कि इंडेक्स फंड में कर लो तो उनको समझ में आता है फिर भी हाथ कांपते रहते हैं राइट right. फिर भी हाथ कांपते रहते हैं तो ये ऐसी चीज हो गई कि जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है है ना अब वो बोल रहा है कि मुझे दस मिनट में क्रिकेट सिखाओ तो आप तो यही बोलोगे कि काम करो भाई बॉल आएगा देखना है और ये रहा बैट इससे मारना है बस बाकी सब नियम भूल जाओ बाकी अब कोई बोलता है मुझे तीन घंटे में सिखाओ तो आप बोलोगे कि देखो ये पिच है ये स्विंग होता है ये फास्ट बॉलिंग होती है ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ये कर लो तो उसको अलग ट्रेनिंग मिली कोई बोलेगा मुझे तीन महीने में सिखाओ तो उसको अलग ट्रेनिंग मिली बट अब याद रखो पहले बंदे को जो तुमने बोला था कि भैया बॉल आएगा मारना है उसको पिच पे उतार दोगे क्या वो अच्छा क्रिकेट खेल पाएगा अनलाइकली बहुत रेयर केस है ना कि खेल पाएगा अब उसको बोला तो आपने सही है अच्छा आपने उसको क्या गलत बोला है बिल्कुल बताया तो सबसे ये बताया तो सबसे ये बॉल देखना है मारना है भाई और कुछ करना नहीं है फिर लेकिन फिर भी वो नहीं खेल पाता तो इंडेक्स फंड कुछ इसी तरीके का है कि यार कर दो इंडेक्स फंड में बट वो नहीं कर पाता बंदा इसीलिए मैंने इसको इंडेक्स फंड से चालू ही नहीं किया देता मैंने ये बताया कि तीन एंटिटी के बीच में कहां पे तुम्हारा पैसा बनने का संभावना है फंडामेंटल लेवल पे कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो वो फंडामेंटल लेवल पे जब टॉप फाइव परसेंट टॉप टेन परसेंट लोग टॉप पचास कंपनियों के इसलिए टॉप पचास कंपनियों में इन्वेस्ट करो ये कोर लेवल समझो कि तुम्हारा पैसा जा कहां रहा है ग्रो कौन करा रहा है और एकदम फंडामेंटल लेवल पे समझो या तो बिजनेस बनाओ या तो पार्टनर बनो और इस बार आप इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की पचास कंपनियों में पार्टनर बन रहे हो और लेकिन इसके साथ साथ ये नॉलेज याद रखो फ्लक्चुएशन होगा रिस्क का मतलब जीरो नहीं होता टॉप पचास कंपनियां जीरो नहीं होंगी लोगों को ये डर लगता है कि जीरो हो जाएगा hmm. अगर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता तो मैं दिखाता कि टॉप पचास कंपनियों ने पिछले पच्चीस सालों में अगर कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट पे आ, याद रखो किसी भी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं नाइनटीन से किसी भी पॉइंट पे एंट्री करके सात साल अगर रुक गया किसी भी पॉइंट पे किसी भी दिन चाहे मार्केट हाई हो लो हो कुछ भी हो इन्वेस्ट करके सात साल अगर रुक गया आपको दस साल अगर रुक गया तो आपको मालूम है कितने परसेंट लोगों का नेगेटिव रिटर्न बना है कितने जीरो ओके तो सात साल में प्रैक्टिकली कोई चांस है ही नहीं कि आप नेगेटिव में भी हो जीरो होना हिस्ट्री ऐसी रही है दस साल में जीरो बना है सात साल में जीरो बना है पांच साल में कितने लोगों का बना है पता है नेगेटिव हांजी जीरो पॉइंट वन आपको बहुत ही ज्यादा अनलकी होना पड़ेगा हाँ वो भी एक बार इन्वेस्ट करके आप रुक जाओगे एस आई वगैरह क्या होती है वो तो नीचे आने पे भी एवरेज आउट होती रहती है ना आफर्स, आफर्स। तो उसमें भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा ये तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक दिन कोई भी एक रैंडम दिन चुन करके इन्वेस्ट करके पांच साल रुक गया बंदा तो भी नाइन्टी चांस है वो पॉजिटिव ही रहेगा इससे और बड़ी गारंटी क्या चाहिए और ये स्टेटिस्टिक है डेटा है

प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते जाना ग्रोथ होते रहे हाँ वो देख रहे हैं कि आज तीन ट्रिलियन है कल को हम तीस ट्रिलियन पहुंचेंगे तो मेरी कंपनी कैसे पंद्रह गुना बीस गुना पहुंचे ये सिंपल का का है। है। तो आप मुझे एक बात बताओ चाहे हम आ, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे हम लोग आ, अगर नॉलेज ज्यादा है तो स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक मोस्टली फॉर न्यू कॉमर्स ही करना चाहिए या फिर किसी केस में आप भी रिकमेंड डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो लमसम पे और एस मैं आता पे बट एक चीज में तो सात साल पांच साल वाला जो नेगेटिव है वो एटलीस्ट अगर लोगों ने नोट किया होगा तो उनको ये माइंड में बैठा होगा कि भैया नेगेटिव क्या है दूसरा है फ्लक्चुएशन लोग बोलते हैं सर नीचे आ गया तो अरे नीचे आ सकता है बट वहां टिकेगा नहीं वो उसका काम है मूवमेंट करते रहना और इस पे एक मैं और एग्जाम्पल देता हूँ अभी हाल ही में टमाटर दो सौ रुपया किलो था बिल्कुल तो क्या टमाटर फ्लक्चुएट नहीं हुआ इसके पहले भी टमाटर दो रुपया किलो भी आता है ना बीच बीच में कई बार बिल्कुल बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है राइट तो उस वहां डर तो किसी भी टाइम पे नहीं नहीं ना और ये तो टोमेटो की बात कर रहा हूं मैं हर चीज उठा करके देखो क्या फ्लक्चुएट नहीं करती इवन हर दिन जाकर के आप अपनी दुकान में जो भी धनिया भी बेच रहा होगा पूछो डेली तो रोज दिखेगा होता हुआ बस प्रॉब्लम है कि वहां कोई ट्रैकर नहीं लगा है। तो महसूस नहीं हो रहा है या फिर हमारी आदत पड़ गई एक्सेप्ट करने की वही मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसे कोविड के टाइम पे एग्जांपल सोचो इसको कि कोविड के टाइम पे 40 परसेंट मार्केट गिरा करेक्ट राइट तो क्या सिर्फ मार्केट गिरा अरे आपके पास प्रॉपर्टी भी होती उस समय बेचने जाते हैं तो क्या 40 परसेंट कोई पूरा भाव देता क्या प्रॉपर्टी का

वो हम वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं आता क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं है कि ये इकोनॉमी को ड्राइव करा रहे हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट साइड में चुपके से चलता हुआ कुछ तो अलग मैकेनिज्म है इकोनॉमी के साथ ये तो जुड़ा ही नहीं है वो हम पूरे इको को नहीं देख पा रहे एक बार में हम ये बोल रहे हैं कि एचडीएफसी का स्टॉक लिया तो एच का स्टॉक जीरो हो सकता है लेकिन मेरा दस लाख रुपए एच डी एफ में एफडी पड़ा हुआ है वहां मैं डर नहीं रहा हूं अरे कैसे दोनों को रिलेट करो कि आपका स्टॉक क्यों जीरो होगा हो जब एच बैंक में आपने स्टॉक एफ uh, करके रखा है तो उसका बिजनेस बंद हो गया क्या वो बिजनेस की समझ नहीं है वो ब्लाइंड स्पॉट है समझ नहीं के अलावा मैं ऐसा बोलूंगा ब्लाइंड स्पॉट है वो ना रिलेट नहीं करते हम इकोनॉमी को और इकोनॉमी जब गिरती है ना सब गिरते हैं सिर्फ स्टॉक ही नहीं गिरता रियल स्टेट भी गिरता है हर चीज गिरता है इवन चलो और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं उस समय जो कोविड में शादियां भी हुई जिन्होंने बीस बीस लाख की शादियां पहले प्लान की थी पांच पांच लाख में निपटाई कि नहीं निपटाई

और भाई अगर मान लो स्टॉक मार्केट गिर गया एक लेते खरीद रहा हूं, में बेचूंगा, तो वो में खरीदने वाला बंदा कहां से लाओगे वो भी तो किसी जाकर के कंपनी में काम ही कर रहा होगा तभी तो उसके पास 40 लाख रुपए आपकी वो लैंड लेने का बिल्कुल बिल्कुल जब स्टॉक मार्केट गिरा है मतलब उस कंपनी का बिजनेस गिरा है उसने शायद कुछ फायरिंग भी करी हूँ हाँ, तो फिर वो कहां, वो कहां से वो कहा से आकर आपसे लैंड लेगा चालीस लाख का करेक्ट लार्जर स्केल पे फिर वो मेंटेन नहीं हो पाता इसीलिए कुछ भी किसी भी चीज का एसेट का भाव बढ़ना है तो कंपनियों को ऊपर चढ़ना पड़ेगा ये बाय डिफॉल्ट है ये मतलब नियम है ऐसा रूल है कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी तो और कुछ नहीं बढ़ेगा फिर देख लो जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो कहां से आके तुम्हारा लैंड खरीदेंगे तो कहा जाके तुम्हारा सामान खरीदेंगे आना हा? ही है। सारी चीजों साथ में कुछ ना कुछ फॉल आना ही है इनफैक्ट yes. एक रिपोर्ट थी इन uh, यूएस मुझे नाम नहीं क्लिक करा बट यूएस का काफी बड़ा ब्रोकर या बैंक है कोई उनकी रिपोर्ट थी कि uh, जब से बैंक स्टेब्लिश हुआ है 107 इयर्स का कुछ है अभी रिसेंटली 107 इयर्स पूरे हुए थे उसके एंड दिस कि जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग डीमैट अकाउंट्स हैं वो वो है हाँ। जिन लोग की या तो डेथ हो चुकी है या तो जो लोग भूल चुके हैं वही वाला कि गोल्ड लेकर के भूल जाओ क्योंकि आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करो इसको स्टॉक जैसा मत सोचो सोचो कि आप इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करो जैसे जैसे इकोनॉमी चढ़ेगी वैसे वैसे मैं भी चढ़ूंगा इकोनॉमी गिरेगी तो मैं भी गिरूंगा खत्म बिल्कुल और इकोनॉमी कर सकती उसको जो वो पढ़ते हैं ना रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग नोट करो वो रीड डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं कि जीरो बिल्कुल फ्लक्चुएशन झेलने को तैयार हो 10-20 परसेंट का कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 10-20 परसेंट नीचे आएगा ना ठीक है रहने दो उस समय उल्टा और इन्वेस्ट कर दूंगा तो इंडेक्स फंड हाँ, में तो मैंने हर एंगल से बता दिया इकोनॉमी के एंगल से नेगेटिविटी के एंगल से एंड फ्लक्चुएशन के एंगल से तीनों साइड से मैंने ट्राई किया है है कंप्लीट करने के लिए अब अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में करना चाहिए तो आप करिए अमेजिंग आई थिंक यही बस एजुकेशन जो आपने बोला कि सब कुछ जानने के बाद भी कि uh, इंडेक्स में करना चाहिए स्टॉक्स में करना चाहिए तब भी लोग नहीं कर पाते आई थिंक यही हुँ. वो एक्सप्लेनेशन है जिसके बाद शायद आई होप कुछ लोग को थोड़ा सा और कर जाएगा कि कर पाए पाएस yes. होप एस आई पी करते हुए आगे बढ़ो सिंपल सा हिसाब है और जब आपके पास लमसम पैसा आता है तो डाल दो अगर आपको पांच साल बाद पैसा चाहिए सात साल बाद पैसा चाहिए मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं कोई बहुत अब यहां से मैं स्ट्रांग रूल अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने स्ट्रांग रूल ऑलरेडी पहले बता दिया स्टैब्लिश कर दिया क्योंकि यहां से और कॉम्प्लिकेशन ऐड करूंगा ना तो आप बंद आगे नहीं बढ़ पाएगा बहुत सिंपल सा हिसाब है, हाँ, है अच्छा। लमसम तभी डालो जब वहां से सात साल वेट करने को तैयार okay, हो वरना उस पैसे को भी एस आई पी में कन्वर्ट कर दो एस आई पी बढ़ा दो खत्म एक लाख रुपया है पांच हजार रुपए की एस आई पी जा रही है एस आई पी को दस हजार कर दो जब तक वो एक लाख रुपए खत्म नहीं हो जाता एंड और फिर से उसके बाद एसआईपी को पांच हजार कर देना ओके दैट हेल्प्स बहुत uh, सिंपल so है ना बहुत क्लियर है कि भैया एसआईपी के फॉर्मेट में ये जाता रहेगा खत्म लोकेश स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे uh, uh -huh. जैसे हमने डिस्कस तो किया कि uh, बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए डालना चाहिए बट स्टिल uh -huh. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्रैश के टाइम पे होल्ड नहीं ही कर पाते जैसे ही उनका पैसा इनफेक्ट uh, आजकल तो लोकेश पिछले कुछ साल से तो ऐसा बोल रन है कि हमें पांच दस परसेंट के ऊपर का फॉल हमने देखा ही नहीं है बिल्कुल। If I remember correctly, I think 2008 में टोटल जो फॉल था निफ्टी फिफ्टी uh, की जब हम बात करते हैं लोकेश अराउंड सिक्सटी परसेंट का फॉल था निफ्टी फिफ्टी में बिल्कुल तो जब हम ऐसे पांच परसेंट के टाइम पे तो आजकल मैं ट्विटर पे देखता हूँ कि क्रैश uh, की बातें हो जाती हैं बिल्कुल कि क्रैश हो गया एंड अब तो पैसा निकाल लो डाल लो whatever. तो एनी hmm. टिप्स की क्रैश के टाइम पे हम लोग कैसे मेक श्योर sure करें कि हम स्ट्रॉन्गली बने रहें गेम में इसको बताता हूं मैं इंडिविजुअली बने रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस समय न्यूज का फ्लो इतना तेज होता है ना इतना तेज होता है कि आप कुछ भी चालू करोगे वो आपका दिमाग हिट करते रहता है ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही बर्बाद हो रही है अकेले उस समय बनना बड़ा मुश्किल है कोई एक बंदा ढूंढो जो आपसे ज्यादा पैसा लगा करके बैठा हो <laughs> वो ही बता पाएगा कि भैया तेरे से ज्यादा मेरा गिरा हुआ है तो चुपचाप बैठो मैं भी बैठा हूं <laughs> बाकी अपने से नीचे वालों को ढूंढोगे और सिर्फ न्यूज में आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे तो न्यूज का काम ही है उसको एम्प्लीफाई करके बताना कि ताकि आप पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो उससे नहीं बच पाओगे अकेले बचना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है बहुत ज्यादा मुश्किल काम है मैं आपको genuinely बता रहा और सिर्फ यहां पे ही नहीं वो, आ, कर ली थी, करेक्ट? आन्जी, आन्जी. जो भी था उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो आन्द उस समय उस समय तो न्यूज का फ्लो ऐसा था कि ऐसा पूरी ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है कितना डिस्कशन हो रहा था उसकी तरफ चारों तरफ बट मैथमेटिकली क्या ऐसा सच में हो रहा है बहुत ही है वो। आ, लेकिन उस समय न्यूज का फ्लो इतना स्पियर हेड था हेड में कि मोबाइल खोलो तो भी वही बात कोई वेबसाइट खोलो तो भी वही बात न्यूज खोलो तो भी वही बात दोस्तों में जाओ तो भी वही बात हर जगह जब वो आपको स्ट्राइक हो रहा है तो आप बचोगे कैसे कम्युनिटी से आई थिंक एक कम्युनिटी से बच सकते हो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही थॉट प्रोसेस बोला कि एक कम्युनिटी की उस समय क्या चल रहा है भाई तुम लोग निष्पक्ष होके बताओ मेरे से ज्यादा पैसा तुमने लगाया है तुम क्या कर रहे हो एक वो और दूसरा इतिहास को पढ़ना कि भैया इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है इससे मिलता जुलता इवेंट तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम वहां से निकल चुके हैं तो यहां से भी निकलने का हाई चांस है और तीसरा कि कहीं आपका गोल बहुत ऐसा नजदीक ना हो चार छह महीने वाला उसके लिए आपने चार छ महीने के लिए पैसा लगा रखा हो वहां पे okay. फिर कोई नहीं बचा पाएगा तो हमें इक्विटी में ये तो चलिए आई थिंक जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस लेवल पे मोस्टली होंगे कि उनको पता है कि इक्विटी थोड़े से लॉन्ग टर्म एलोकेशन करना है आपको हमेशा एंड yes. uh, एक बड़ा कॉमन एक लाइन है स्टॉक मार्केट में कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट बट एक्चुअली वो डिफरेंट कभी नहीं होता जब भी क्रैश होता है हमेशा सबको ऐसा लगता है कि इस बार अलग क्रैश है अब तो शायद कभी रिकवर नहीं करेगा बट ऐसा जब से स्टॉक मार्केट बने हैं तब से चल रहा है होते हैं फिर नया है एंड है। वही चलता हाँ। रहेगा और ये क्यों चलता रहेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना टॉप टेन परसेंट लोग लगे तो है ना सुबह से लेकर के क्योंकि ह्यूमन तो सेम ही है ना ह्यूमन थोड़ी बात दूसरे ग्राहे आ गए एंड ऑफ द डे ये ह्यूमन बिहेवियर ही है सो स्टॉक मार्केट्स में ही आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करते हैं उन लोग की जो स्टॉक्स पिक करके इन्वेस्ट कर रहे हैं अब आई थिंक आजकल दो कॉमन थॉट्स हैं पहले हमेशा ही ये सुनने में आता था कि इन्वेस्ट फॉर एवर ठीक वॉरन बुफे की जी के कोर्ट्स बोले जाते थे बहुत सारी और बातें करी जाती थी कि वंस यू इन्वेस्ट यूट फॉर एवर एंड एक डिफरेंट स्कूल ऑफ है जो ये भी कहता है कि फॉर एवर से काम नहीं चलता आप जब हाँ। तक स्टॉक बढ़ रहा है मोमेंटम में है उसमें पैसा रखो एंड उसके बाद फॉरन विद्रॉ करके दूसरे में रख, दूसरे में डालो तो इसमें आपका हाँ। क्या थॉट है कि थावर होल्ड करना है नहीं करना है मैं स्टॉक को लेकर के और या इन्वेस्टमेंट को लेकर के बताता हूँ स्टॉक तो थोड़ा अलग ही बॉल गेम ही हो गया कम्पलीटली डिफरेंट बॉल गेम हो गया डायरेक्ट स्टॉक को पिकअप करना वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना मेरा सिंपल सा हिसाब है गोल आ गया तो पैसा निकालना गोल नहीं आया तो फिर क्यों निकाल रहे हो जिस गोल के लिए पैसा डाला था वो जब आया ही नहीं है तो निकाल के ले जाओगे कहा पैसा FD में, वेरी गुड पॉइंट, निकाल क्यों रहे हो? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है कि ले कहाँ जाओगे वो तो बता दो वेरी गुड पॉइंट कि अगर गोल अभी आया ही नहीं है वो पैसा खर्च करना है ही नहीं आज हाँ क्या है निकालने का बिल्कुल तो वो और फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं अभी नीचे आएगा ऊपर आएगा तो मेरा सिंपल सा हिसाब है तीन ट्रिलियन की इकोनॉमी है तीस तक पहुंचना है तो अभी यहाँ पे बताओ मुझे ठीक है, है? तो है ना फ्लक्चुएशन तो पहले इसलिए पहले दिन डिस्कशन कर लिया कि फ्लक्चुएट होगा उस समय डरना मत मतन जैसे फ्लक्चुएशन होगा लोकेश तो दो चीजें होती हैं एक तो चीज आई थिंक मैं भी सबको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो एक मीनिंगफुल एलोकेशन होना चाहिए अगर हमने किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हमने पांच हजार रुपए डाले हुए हैं दस हजार रुपए डाले हुए हैं तो वो अगर कुछ सालों में डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं तो शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पूरे पोर्टफोलियो में बीस रुपए बढ़ गए हैं दस हजार रुपए तीन टाइम भी हो गया अमेजिंग रिटर्न आए बट हमें पता भी नहीं चलेगा बट ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी कहते हैं कि इक्विटी में कभी भी एक बार में पैसा नहीं डालना बहुत सारा

और अच्छा पैसा बनाओगे जो टाइम एफर्ट एनर्जी आप डाल रहे हो जबरदस्ती वहां पे दिमाग लगाने का वो आपको पूरा डिस्ट्रॉय करेगा वो बनाने नहीं देगा वो डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि रोज आपको नया ख्याल आएगा नया थियरी लेकर के आओगे और वहां पे बाय सेल करके खेलते रहोगे एक बड़ी सुंदर सी कहावत है हमारे यहाँ पे खाली बनिया का करे यह गगरी समान वही गगरी धरे भोजपुरी में है यह मतलब जो खाली बनिया है जो दुकान नहीं चल रही है तो इस गगरी से निकाल करके सामान उस गगरी में गगरी पहले होती थी ना वो घड़ा हाँ जी सामान से उधर उधर से इधर इधर से उधर उधर से इधर इसी में अपने आप को बिजी रखता है वो तो ये काम मत करो शांति से बैठो आ, इससे मुझे एक और बात याद आई एक चीज और कहते हैं कि आ, जब आप ये डिसीजन ले, ले लेते हो कि मुझे इस इंडेक्स में इस म्यूचुअल फंड में जो भी है एसआईपी करना है वो आपने एक डिसीजन ले लिया एंड हाँ। वो कंटिन्यू कर रहे हो बट जैसे आपने किया कि मैं यहां से निकालूंगा फिर इसमें डालूंगा फिर वहां से निकाल के उसमें डालूंगा और वहां से निकाल के उसमें डालूंगा आपको इतनी ज्यादा बार करेक्ट होना है कि हाँ। बहुत आसान हो जाता है कि आप एक गलती कर जाओगे कहीं एंड वो एक गलती अगर आप बाकी जगह कहीं स्लाइट हायर रिटर्न्स ले भी रहे होगे तो वो टोटल एवरेज आपका इतना नीचे गिरा देगी कि शायद आपको लगेगा कि मैं वो ओरिजिनल सिंपल डिसीजन पे रहता तो ही बेटर होता यस और जो आप एफर्ट एनर्जी टाइम डालते हो उसमें क्या वो वर्थ है वही अपने जॉब में अपने वर्क में अपने बिजनेस में डालो उससे डबल सैलरी करवा लोगे यार वेरी गुड उल्टा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे तुम आधा परसेंट के चक्कर में कि वो बारह दे रहा है ये तो साढ़े बारह दे रहा है ये तो तेरह दे रहा है वो एक दो के चक्कर में आप गवाते ज्यादा हो कमाते कम हो क्योंकि जो आपने एफर्ट एनर्जी टाइम जो डाला है वो वर्थ भी नहीं है क्योंकि आपका ये फुल टाइम वर्क भी नहीं है क्या आपका ये फुल टाइम वर्क है और आप सोच रहे हो कि मैं न्यूज पे पढ़ करके म्यूचुअल फंड हाउसेस को और बड़े बड़े इनको बीट कर दूंगा और अगर बीट भी कर दिया मैं तो बोल रहा हूँ बीट भी कर दिया चलो तो भी कितने आ, मार्जिन से आ, आधे परसेंट से एक परसेंट से अरे दो परसेंट से वो? भी मार्जिन में आपने बीस साल में कर दिया तो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो आपने दो परसेंट के लिए इतना जोर मेहनत और ताकत लगाई है वही अपने जॉब में लगा दो तो क्या ज्यादा इनकम नहीं आती ऑलमोस्ट डेफिनेटली आती क्योंकि वो आपका फील्ड है Yes. तो अपने फील्ड में तो आप मेहनत लगा नहीं पा रहे हो दूसरे के फील्ड में जाके हीरो बन रहे हो सारा ज्ञान आके तुमको इधर ही लगाना है तो वो गड़बड़ हो जाता है वो ना बैकफायर कर जाता है इसमें so सिंपलिस्टिक रखना है पहला दूसरा कब निकालना है आपका गोल बताएगा कब निकालना है तीसरा आपने एक और पॉइंट बोला कि मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूंगा बहुत मिनिमम करूंगा पांच हजार का बीस हजार हो भी गया तो भी क्या फायदा बिल्कुल सही बात है इसीलिए तो कन्वर्सेशन का बेस ही हमने रखा कि भाई तुम्हारी नीड क्या है अपने ऑब्जेक्टिव लिखो उसके हिसाब से पैसा निकल के आएगा ना कि क्या करना है आ, तो फिर तो मिनिमम रहा ही नहीं करेक्ट वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके सारे हाँ, जब, देगा। जब आप अब्रप्ट चालू करते हो इन्वेस्टमेंट तब ये सारे प्रॉब्लम आते हैं जब आपने प्लानिंग करके किया तो तो प्रॉब्लम पहले ही एलिमिनेट हो गई वो तो आपके लिए आई ही नहीं दिखी भी नहीं आपको कि ऐसी प्रॉब्लम भी होती absolutely. है क्या लोकेश विल आई थिंक हम लोग अपने डिस्कशन को यहाँ पे थोड़ा सा रेपअप करेंगे और मैं जो फाइनल दो क्वेश्चंस होते हैं अब तो आपको पता है बिकॉज आप सेकंड टाइम आए हो हमारे शो पे uh, mm -hmm. तो फाइनल टू क्वेश्चंस आपको पता है हमारे जो होते हैं वी विल रिपीट द सेम टू क्वेश्चंस बट इस बार ऑर्डर mm चेंज -hmm. कर देंगे सो पेनल्टीमेट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि uh, जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं जिन्होंने आपको लास्ट वीक पहली बार सुना था वो आपसे अगर और कुछ सीखना चाहे तो क्या तरीका है आपसे आगे कॉन्टेक्ट करने का तो एक तो सिंपल है कि कल uh, मेरा एक वेबिनार है फ्री थ्री आवर्स का जहाँ पे मैं थ्री आवर्स फ्री सिखाता हूँ ठीक है तो वो वेबिनार में आ सकते हैं uh, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप वो लिंक भी उनको शेयर कर सकते हो वेबिनार डॉट लोकेश तिवारी डॉट वहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे आई वुड से फैंटास्टिक एंड सेकंड क्वेश्चन लोकेश लास्ट टाइम आपने फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्टेप बताया था आई होप वो बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऑन सिमिलर लाइंस जो लोग आज आपको पहली बार सुन रहे हैं उनको आज के टॉपिक के लिए कोई आप एक ऐसा स्टेप बताएं जो वो आज सोने के पहले कर पाएं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना कि अगर मेरा पैसा मान लो 12% से ग्रो कर रहा होगा

बहुत ही डेप्थ में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बहुत ही डेप्थ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कवर किया एंड आई एम सींग 20 25 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर था जिसमें आयोनिकली आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे वो आई थिंक बेस्ट एक्सप्लेनेशन था कि किसी को क्यों और कैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए उसका क्या बेनिफिट है क्या रिस्क है आई थिंक सब कुछ आपने उस क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर किया जो कि बहुत ही इंट्रैक्टिव था थैंक यू थैंक यू सो मच दैट सेड जो एक uh, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग मैं पर्सनली भी uh, मेरा एक लार्ज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो इंडेक्स में निफ्टी 50 में ही है एंड hmm. uh, उसके अलावा भी मैं लोगों को रिकमेंड हमेशा ही करता हूं कि स्टार्ट हमेशा स्टॉक uh, मार्केट में अपने पैर डिप करने हैं तो हमेशा इंडेक्स से करें एंड hmm. आपने उसका एक वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दिया कि सबसे जो बेसिक थॉट होता है किसी का भी कि मुझे बहुत hmm. पैसा कमाना है तो वो सोचता है कि मैं बिजनेस कर लू कर नाउ बिजनेस अपने risk, में क्या होता है? आ जाती है रिस्क कि आप तो एक बिजनेस कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस कितना है नहीं है आपके कितने कॉम्पिटेटिव रिस्क आ जाती है नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो उसको शायद आपसे थोड़ा ज्यादा आता हो शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो और पहले से चल रहा है इसलिए करो पहले से चल रहा है इसलिए एंड हाँ। एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है सारे उसके फाइनेंशियल आपके सामने हैं एंड अगर आपको रिस्क उससे भी कम करनी है तो हम मानते हैं है कि चलो एक बिजनेस में आपने अपने सब कुछ देख के किया स्टिल वेरी बैड लक वो बिजनेस बंद हो गया या उतना अच्छा नहीं चला इन द फ्यूचर आप इंडिया की टॉप फिफ्टी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो देर इज नो चांस की उस डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी आप एक लंबे टाइम तक लॉस में रहो अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां नहीं काम कर रही है ना भाई तो फिर कुछ नहीं काम कर रहा है और आपके सामने उसके वहां पे यस 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 लोकेश आई होप मोर एंड मोर इंडियंस फाइनेंशियली फ्री बनते रहे एंड Thank you so much for being with us, Lokesh, and uh, everyone who's listening live. Thank you so much for being with us. Uh, stay in touch.